आज मैं आपको बिरयानी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं ये दो चम्मच अदरक डाल दी और दो ही चम्मच मैं लहसुन डालूंगी। और ये मेरे पास एक किलो चिकन है, उसके मैं साथ ही मैं हरी मिर्च डाल दूंगी, दस तकरीबन दस के करीब होगी ये हरी मिर्चें। इसको मैं अच्छी तरह से तल लूंगी चिकन को तेज फ्लेम करके। आज मैं आपको शान की सिंधी बिरयानी बनाना बता रही हूँ, ये बिल्कुल झटपट आपकी बन जाएगी और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनने में। मैंने एक साइड पे पानी भी चढ़ा दिया है, पानी भी उबलने के लिए चढ़ा दिया है, ये साथ साथ हमारा पानी भी बॉयल हो रहा है चावलों के लिए। और ये जो है हमारी चिकन जो है वो तैयार हो गई, बस थोड़ा सा ये चिकन हमारी तैयार हो जाएगी तल जाए। अब मैंने इसमें आधा कप ब्राउन प्याज है, ये मैंने घर में ब्राउन करके रखी हुई थी, मैं रखती हूँ अक्सर मैं जल्दी के लिए, तो मैं इसलिए अपने घर की ही बनी हुई है प्याज ब्राउन की हुई है। आप बाज़ार की भी डाल सकती हैं या आप चाहें तो साथ साथ भी ब्राउन कर सकते हैं, बस ये मैं इसलिए करती हूँ कि जल्दी अगर पकाना हो तो आपका ये जल्दी से बिरयानी तैयार हो जाती है, आधा घंटा लगता है बस मुश्किल से और तैयार हो जाती है। एक कप मैंने दही लिया हुआ है, दही डालते हुए कप फूले तो थोड़ा हल्का कर और इसको फैला दें, दही जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके अंदर मैंने शान का मसाला है ये एक पैकेट, ये वाला पैकेट है ये मैं डाल रही हूँ, एक पैकेट शान का, ये सिंधी बिरयानी का है पैकेट, ये मैं डाल दूँ तो ये मिक्स करूँगी। अब मैं चूल्हे को तेज़ कर देती हूँ, थोड़ा मसाला भून लें, अब मैं ये चावलों का जो पानी चढ़ा होता है उसमें मैंने तकरीबन चार पाँच चम्मच जो है वो नमक डाल दिया ताकि ये हमारा पानी जो नमक डाल के बॉइल हो जाए। ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इसके अंदर मैं आधा कप पानी डालूंगी। ये पानी में बॉईल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर टमाटर वगैरह की तह लगा दूंगी। हमारे चिकन के पानी जो मैंने डाला था अब ये पानी बॉयल हो चुका है,
अब मैं चूल्हे का फ्लेम थोड़ा हल्का करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। आधा कप धनिया है, आधा कप पुदीना है और ये धनिया है, आधा कप धनिया है। मैं इसको धीमी आंच पे 5 मिनट तक दम की आंच पे इसको पकाऊंगी। और ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसके अंदर में 3 पाव चावल है, ये 1 घंटा भीगे हुए हैं ये चावल। चावल देखें, मैंने ये 2 कन्नी उबाल ली हैं। ये बासमती राइस हाँ। मैं 1 चुटकी चवेत्री है ये मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ, 1 चुटकी जायफल है पिसा हुआ और ये आधी चमची जो है वो छोटी इलायची है पिसी हुई। के बाद इसको मैं जो है वो ढक देती हूँ दम पे। पहले मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी, 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे करना है। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगा 5 मिनट तक, फिर इसको मैं 15 मिनट तक दम की आंच पे पकाऊंगी, फिर हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, इसको मिक्स करेंगे।